Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Gunjan and you're watching SimplyFLY. So friends, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं how to become cabin crew. अगर आपका भी ये सपना है कि आप केबिन क्रू बनना चाहते हैं या फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उन सारी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपका ये सपना पूरा हो जाए. तो अगर आप भी अपना सपना पूरा करना चाहते हैं और केबिन क्रू या फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहते हैं तो आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है कि केबिन क्रू और फ्लाइट अटेंडेंट होते कौन है, इनका काम क्या होता है. आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि केबिन क्रू और अ फ्लाइट अटेंडेंट आर द पीपल हु सर्व ऑन बोर्ड, जिनका काम होता है पैसेंजर्स को ऑन बोर्ड सर्व करना. तो ऐसे लोग जिनका इस तरीके का सोचना है ये बिल्कुल गलत है. यस फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वंस इन अ मिलियन और गॉड फॉरबिड अगर कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो केबिन क्रू एंड फ्लाइट अटेंडेंट आर द पीपल हु हेल्पर्स, हु आर देयर टू हेल्पर्स एंड हु विल be helping you out to getting out from that aircraft. So इनका जो main purpose होता है या flight attendant का जो main job होता है that is safety and security of the passengers on board. तो I'm sure कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि cabin crew का क्या काम होता है या flight attendant का क्या job होता है. So friends, by not wasting any more time, we will directly talk about basic requirements for becoming cabin crew or how to become cabin crew or a flight attendant. तो इसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ एज लिमिट. अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डोमेस्टिक एयरलाइन मतलब वो एयरलाइंस जो विद इन द कंट्री फ्लाई करती हैं, ऐसी किसी एयरलाइन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम एज है दैट शुड बी 18 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 27 ईयर्स. एट द सेम टाइम अगर आप किसी इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड है दैट शुड बी 21 ईयर्स या फिर उससे ज्यादा. तो ये आपकी एज लिमिट है जिसको आपको ध्यान में रखना है. पॉइंट नंबर टू जो है दैट इज बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. आपकी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या आपकी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा भी कोई क्वालिफिकेशन या ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दैट शुड बी 10+2 और 12th पास. आपने 12th कर लिया है, 12th पास है आप किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से तो आप इस डोमेस्टिक एयरलाइन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दैट शुड बी ग्रेजुएट. सो अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, आप ग्रेजुएट हैं, तो आप आसानी से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही एयरलाइन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एक और चीज फ्रेंड्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मैं अपने पर्सनल खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूं कि अगर आपके पास कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस है, कोई भी प्रीवियस वर्किंग एक्सपीरियंस है या आप किसी भी तरीके की किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर चुके हैं तो उस चीज को अपने रिज्यूमे में जरूर मेंशन कीजिएगा और साथ ही साथ इंटरव्यू के दौरान भी इस चीज को जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है, चाहे वो 6 मंथ का हो, 1 ईयर का हो, बट आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो इस चीज को जरूर मेंशन कीजिएगा. क्योंकि जो एयरलाइन होती है वो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होती है उनको अलग कंसीडर करती है और उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, तो ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज भी हो जाएगा. सो फ्रेंड्स, अगला जो पॉइंट है वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखिए फ्रेंड्स, मैं भी एक एयरलाइन में बहुत लंबे टाइम से काम कर रही हूँ और मेरे अकॉर्डिंग दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप केबिन क्रू बनना चाहते हैं तो. और वो पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स. जी हाँ फ्रेंड्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जितने अच्छे होंगे आपका चांस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा उस इंटरव्यू को क्रैक करने का और केबिन क्रू बनने का. फ्रेंड्स देखिए, जब आप केबिन क्रू बनते हैं तो आपको हर दिन पैसेंजर्स को डील करना होता है, हर दिन आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है, तो उस टाइम आपकी कम्युनिकेशन जितनी ज्यादा अच्छी होगी आप अपना काम उतने ही अच्छे से कर पाएंगे. सेकेंडली, आपका जो कमांड है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि केबिन क्रू बनने के बाद आपको इन दोनों ही लैंग्वेज में इक्वली कम्युनिकेट करना होता है. तो आपका जो ये लैंग्वेज में कमांड है जितना ज्यादा अच्छा होगा, जितनी अच्छी
की पकड़ होगी, आप उतने ही अच्छे से अपना काम कर पाएंगे और उतने ही इजीली इंटरव्यू को भी क्रैक कर लेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, जो इंडिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है उसमें जो पहली लैंग्वेज है दैट इज हिंदी, और जो दूसरी लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो इन दोनों में ही आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इन दोनों लैंग्वेज के अलावा अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज, कोई एडिशनल लैंग्वेज आती है, लाइक पंजाबी, मराठी, बंगाली या फिर कोई भी फॉरेन लैंग्वेज अगर आपको आती है, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। और आप इस चीज को भी अपने इंटरव्यू के दौरान जरूर मेंशन कीजिए, ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है दैट इज यू शुड बी मेडिकली फिट। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स कि आपको जिमिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है या मसल्स बनानी है, नहीं। इसका मतलब है योर BMI रेशियो। BMI रेशियो मतलब बॉडी मास इंडेक्स रेशियो। हर एक एयरलाइन का अपना एक क्राइटेरिया होता है और आपका जो ये BMI है उस क्राइटेरिया से ना ही ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, मतलब ना ही आप ओवरवेट होने चाहिए ना ही अंडरवेट होने चाहिए। अब बात करते हैं कि इस BMI को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये बहुत ही इजी है। आप गूगल पे जाइएगा और वहां पे सर्च कीजिएगा, टाइप कीजिएगा BMI कैलकुलेटर। BMI कैलकुलेटर जब आप टाइप करेंगे तो उसके बाद बहुत सारे रिजल्ट आएंगे BMI कैलकुलेटर्स के। आप किसी एक को क्लिक कीजिएगा और वहां पे अपना हाइट और वेट डालिएगा और आपका वो BMI कैलकुलेट करके दे देगा। जनरली जो एयरलाइंस का जो BMI जो रेशियो होता है वो 18 से लेके 22 के बीच में होना चाहिए, तो आप वहां जाके अपना BMI चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगला पॉइंट जो है विच इज द लास्ट पॉइंट दैट इज मैरिटल स्टेटस। मुझसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं कि मैम क्या हम शादी के बाद भी केबिन क्रू के लिए अपीयर कर सकते हैं, क्या हम केबिन क्रू का इंटरव्यू दे सकते हैं? तो इसका आंसर है यू हैव टू बी सिंगल और अनमैरिड व्हेन यू आर अप्लाइंग एज अ फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर की तरह अप्लाई कर रहे हैं केबिन क्रू के लिए, आपके पास कोई प्रीवियस केबिन क्रू का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको अनमैरिड होना चाहिए, आप सिंगल होनी चाहिए, तभी आप केबिन क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारे रिक्वायरमेंट्स थे जो अगर आप में हैं तो आप डेफिनेटली केबिन क्रू बन सकते हैं। एक केबिन क्रू और अ फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए सारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी जो आज मैंने आपको एक्सप्लेन की है। लास्ट में चलते चलते मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि कैसे अप्लाई करना है इन जॉब्स के लिए, या अगर आपको जॉब सर्च करनी है एयरलाइन से रिलेटेड, कोई भी वैकेंसी सर्च करनी है तो आपको कैसे करनी है। हालांकि मैंने ये सारी चीजें पिछले कई सारे वीडियोस में बताई हैं, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपको केबिन क्रू के लिए अप्लाई करना है या कोई भी एयरलाइन में जॉब सर्च करनी है, तो आप जिस भी एयरलाइन के लिए जॉब सर्च करना चाहते हैं उस एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। वहां पे जाएंगे तो आपको एक करियर का ऑप्शन दिखेगा, आप उस करियर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए तो वहां पे जितनी भी लेटेस्ट ओपनिंग्स होंगी वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। तो जो भी ओपनिंग आपके क्राइटेरिया से मैच कर रही है, आपके प्रोफाइल से मैच कर रही है, तो आप उस पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जाते जाते एक और बोनस टिप फ्रेंड्स कि डू नॉट यूज एयर हॉस्टेस वर्ड। आपने बहुत बार सुना होगा लोगों के मुंह से कि हाँ वो एयर हॉस्टेस है या ये एयर हॉस्टेस है, तो एयर हॉस्टेस जो वर्ड होता है दैट इज अ रॉन्ग वर्ड। ऑलवेज यूज केबिन क्रू और अ फ्लाइट अटेंडेंट, दैट इज द करेक्ट वर्ड। सो आगे से कभी भी एयर हॉस्टेस मत बोलिएगा, एयर हॉस्टेस रॉन्ग वर्ड है, आप फ्लाइट अटेंडेंट बोल सकते हैं या केबिन क्रू बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट मेरी आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।